हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैरेक्टर डिजाइनिंग प्रोफेशनल वे से किस तरह से किया जाता है। तो गणपति पप्पा मोरिया का हम कैरेक्टर डिजाइन कर रहे हैं राउंड शेप। अब सबसे पहले मूड बोर्ड की बात आती है। जैसे आप साइट पर फोटोग्राफ्स देख रहे हो, क्लाइंट आपको सेंड करता है फोटोग्राफ्स के उसे किस तरह का लुक एंड फील चाहिए कैरेक्टर का, वो गोल हो, स्क्वायर हो, शेप्स में हो, कैसा हो। आपकी बारी जब आप लाइन ऑफ एक्शन से शुरू कर, उसके बाद बात आती है कंस्ट्रक्शन लाइंस की। एक डूडलिंग के ऊपर कंस्ट्रक्ट करना है अपने लाइन को, जैसे घर को बनाया जाता है आयरन की सरिया वगैरह डाल के उसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ओके, उसके ऊपर ये देखिए नीचे डूडलिंग के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। फिर स्मॉल शेप्स को डिटेल देनी होती है, फिर जाके आती है फाइनल डिटेल। अब फेस में भी देखिए शेप्स आती हैं बॉडी की और फेस की, इस तरह से स्क्वायर, ट्रायंगल और सर्कल। हमारा वाला करेक्टर है सर्कल वाला, आगे भी मैं आपको और ऑप्शन से बताता हूँ। और एक चीज़ का ध्यान रखना, ये ओवरलैपिंग करनी होती है। अब ये देखिए जो नाक अपने गणपति पप्पा के सूंड है वो टी शेप के अंदर ऐसे नहीं आ सकते। अब बॉडी तो हमने, ये देखो बॉडी भी सर्कल, ट्रायंगल, ट्रायंगल ऊपर नीचे है, फ्लेक्सिबल है। आपकी जो करेक्टर है वो किस तरह से है, और जब आप स्क्वायर के ल्यूमिनस मेथड को भी यूज़ करते हैं उसके हिसाब से भी सोचना पड़ता है। फिर सिटिंग की जो पोजीशन है कैसी है, और सेल आउट में जैसे हम अंधेरे में किसी को देखते हैं तो पहचान जाते हैं कि वही है, उसे एक सेल आउट वाला इफ़ेक्ट कहते हैं। अब ये ड्राइंग की कुछ एक्सरसाइजेस थी जो पॉपअप होकर आपके सामने आ रही हैं, मैं आपको आगे डिटेल में बताता जाता हूँ। देखिए अब मिकी माउस वाला स्ट्रेच एंड स्क्वॉश आपको करना होगा। फिर आईज़ की भी बात होती है कि किस तरह से आईज़ होनी चाहिए, वो बहुत ही ज़रूरी है। फिर शेप्स का, और फिर फीट के बारे में भी बात करेंगे कि उन्होंने अगर गणपति पप्पा डाल रहे हैं अपने छोटे छोटे पैरों के अंदर शूज़ तो वो कैसे होंगे। तो ये है वो सेल आउट वाला कि क्लैरिटी होनी चाहिए। जब भी वो करेक्टर अगर आप डिटेल नहीं दिया, उसे डार्क ही कर दिया है, तो क्लैरिटी होनी चाहिए। और आईज़ के एक्सप्रेशन, आईज़ की आई बॉल बड़ा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। तो कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखिए प्रोफेशनली। ए वन क्लिक गो में अगर आपकी बात आपको नहीं समझ आ रही, कोई बात नहीं, आप स्टेप वाइज चलो। स्टेप वाइज में क्या है, लाइन ऑफ एक्शन जैसे कि पहले बताया आपने, आप फिर से दोबारा में वीडियो में पीछे जाके देख सकते हो। और हमेशा जब भी आप ड्रॉ करो तो उसका मतलब पेट कैसा आ रहा है और ये लाइंस किस तरह से चल रही हैं, ओवरऑल सही लग रहा है, तो बार बार कैनवास को दूर करके आप देख सकते हो, जूम इन जूम आउट। और मैं ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ क्रीटा। क्रीटा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि फोटोशॉप को बहुत ही अच्छी खूबसूरती से टक्कर दे रहा है। और इसमें कुछ ब्रशेस हैं जो कि बहुत ही उम्दा क्वालिटी के हैं, आई रियली लाइक देम, बिकॉज वो जो कुछ ब्रशेस ऐसे हैं जो कि कॉमिक मेकिंग में जो रियल ब्रशेस हैं उसका इफ़ेक्ट देते हैं, या जैसे आर के लक्ष्मण कार्टून बनाते थे तो वो उसका भी इफ़ेक्ट देते हैं। अब ये देखिए, इसको देखिए ध्यान से, अब ये ओवरलैपिंग चल रही है कि आपका करेक्टर अगर बैठा भी है तो टांग इधर उधर जा रही है, ऐसा नहीं होता। हमेशा आपको एक्सरे विजन से देखना होता है, एक आर्टिस्ट को बहुत ही स्मार्टली वर्क करना पड़ता है। तो ये प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। तो शूज़ के अंदर आप देख लिया किस तरह से जाएगा। अब ये देखिए आगे मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा है टेबल को, पीछे से छोटा हो जाता है। पर्सपेक्टिव का यूज़ है, हर जगह होगा। तो अपनी जितनी भी आप करेक्टर डिज़ाइनिंग करते हो उसके अंदर पर्सपेक्टिव का यूज़ करना। अब जितनी भी मैं बातें आपको बता रहा हूँ आप अब इनके ऊपर इनके नोट्स बना लीजिए और ऐसे ही करना शुरू करिए। अब आती है बात कलर्स की। अब कलर में वो थोड़ा ह्यूमन टच चाहता था कि गणपति पप्पा क्लास में हो और ह्यूमन टच हो, तो हम स्किन कलर लेंगे, चीक्स तो को थोड़ा रेड करेंगे। अब ये आ गया वार्म कलर। इसकी जो ड्रेस होगी अब वो ऑपोजिट कलर में हम लगाएंगे क्योंकि वो कूल कलर है, जैसे कि आप देख रहे हो। तभी जो चेहरे का कलर है वो वार्म है, वो एकदम उठ के बाहर आएगा। ओके, तो इसे कहते हैं कलर्स में स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। तो जब भी आप अपनी इलस्ट्रेशन बनाएं तो इन चीज़ों का आप यूज़ करें।
अब ये देखिए कितने सारे ब्रशेस हैं। अब इनमें ख़ास बात क्या है, मैं वाटर कलर इफ़ेक्ट ही क्यों चुना, क्योंकि इसमें वाटर कलर के जो ब्रशेस हैं ना वो बहुत सही इफ़ेक्ट देते हैं। कुछ प्रेस, जैसे आप पेन टैबलेट यूज़ करते हो तो कुछ प्रेस कर, आप ब्रश को प्रेस करोगे तो कुछ कलर उठाते हैं, कुछ किसी को दूसरे को प्रेस करोगे तो वो कलर लगाता है। अब लेयर वाइज काम करना होता है क्रीटा में, फोटोशॉप में, या जितने भी आसपास के जो सॉफ्टवेयर हैं ये सभी एक ही बेसिस पे काम करते हैं, इनमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बाकी बात प्रैक्टिस पे होती है। तो वाटर कलर के जो ब्रशेस का यूज़ इसलिए मैंने किया है कि ये सॉफ्टनेस का इफ़ेक्ट दे रहे हैं, तो गणपति बप्पा को हमें क्यूट दिखाना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं वो बात छोड़ के ये कर रहा हूँ, शेडो को आप देखिए, वो ब्लू कलर में यूज़ करी है मैंने, ठीक है, टेबल के कलर की यूज़ नहीं करी। उसका कारण ये है कि वो पेपर के ऊपर जब शेडो आती है तो वो पेपर के ऊपर ब्लू में इफ़ेक्ट देगा, ओके। तो कुछ लोग और भी तरह से करते हैं, मतलब एक ही शेडो बना के बाद में उसको साइड में ग्रेडियंट्स, उसकी ओपेसिटी वगैरह कम कर देते हैं, ऐसा वैसा। अब ये देखिए पूंछ में और वो जो शर्ट है वो है कूल कलर, और इसलिए बेंच की बैक साइड बनाई है वो वार्म कलर की है, ठीक है। अब नीचे टेबल है वार्म कलर, नीचे लगा दिया कूल कलर। अब बैकग्राउंड में भी मुझे देखो ग्रीन लगाना पड़ा है, ओके। अब ब्रशेस का ये देखो, ब्रशेस कितने सही चल रहे हैं यार। आप फ्री हैं, आप ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन जब भी आप फोटोशॉप यूज़ करते हो ना तो उसमें एक प्रॉब्लम आती है, वो आपके सिस्टम में बग डाल देता है या आपका सिस्टम स्लो चलता है। मतलब फोटोशॉप अगर ऑनलाइन आप यूज़ कर रहे हो तो कुछ ना कुछ होता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आप जब ज़्यादा यूज़ करते हो उसका तो दे आर यार उन्होंने पैसे खर्च कर रखे हैं तो नज़र भी रखते हैं। एनीवे, अब इसको बहुत ही जल्दी एक दिन में देना था, ठीक है, तो मैं उसी के ऊपर काम कर रहा था। इसके बाद वैसे मुझे ज़्यादा काम करने से वो सर्वाइकल वाला भी सीन पहली बार हुआ लाइफ में और मैं हैरान हो गया था। तो आर्टिस्ट को चाहिए कि आप ना सर्वाइकल के लिए पहले ही या तो अपनी पोजीशन की बात नहीं है, जब हम बैठते हैं तो काम करते रहते हैं, तो आप एक काम करो कि योगा के कुछ आसन ऐसे करो जो सर्वाइकल से आपको बचा सकें, ओके। और मैंने एक चीज़ यूज़ करी है कि मैं अभी जैसे पलंग पे आप लेट के मुंह के बल और थोड़ा हाथों को पीछे करके मैं इस तरह से भी काम करता हूँ ताकि मेरे सर्वाइकल के ऑपोजिट पोजीशन बन जाए। चलो बैक टू दिस ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड उन्होंने बोला कि इसमें एडिशन करो जी, ब्लैक बोर्ड नहीं नज़र आ रहा, वो ना क्लास में बैठा हुआ फील नहीं हो रहा, और क्लाइंट के 36 मतलब वो भी आते हैं और इनपुट्स वगैरह, और इसमें ये कुछ और डालो। तो हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा और डिटेल दे दिया है स्केल के अंदर, और ये कंपनी है जिन्होंने एक स्केल लॉन्च करा है, वो एक दिवाली विश करना चाहते थे, तो ये ऐसा स्केल है, इसमें कंपास भी है, और आप मतलब अभी इसका नाम ले नहीं सकता ऐसे ही। इन्होंने एक ज्योमेट्री बॉक्स ही लॉन्च करा है, तो ये काफ़ी ख़ास तरह का है, और ये है साउथ में कहीं पर। तो हाँ, अब यहाँ पे देखो चेहरा एकदम सामने आ रहा है। अब पीछे फ्लैशबैक में जाइए, जब मैंने आपको सभी डिटेल्स के बारे में बताया, लाइन ऑफ एक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन, फिर स्मॉल शेप्स को पहले बनाना है, फिर डिटेल देना है, फिर जाके फाइनल डिटेल आना है। तो वन क्लिक गो मत कीजिए, हमेशा स्टेप वाइज चलिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर रिवाइज करते हैं, जैसे बॉडी शेप्स, ठीक है, फिर शेप में ट्विस्ट भी आना है, तो करना है तो कैसे करना है, फिर फेशियल एक्सप्रेशन किस तरह से होंगे, फिर सेटिंग पोजीशन, फिर सिलाउट वो जो परछाई से दिखती है वो, फिर ड्राइंग ऑर्गेनिक फॉर्म वो किस तरह से करनी है कि आपका अपना दिमाग से सोचा हुआ हो, फिर ड्राइंग कंस्ट्रक्शन लाइंस, फिर आना है आईज एक्सप्रेशन किस तरह के होंगे, किस कौन सी आईज सेलेक्ट करोगे आप इसके लिए, फीट कलर। तो इस तरह से ये प्रोफेशनली बनाई जाती है, और इसमें कोई AI का यूज़ नहीं हुआ है। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू, सपोर्ट मी ताकि मैं और अच्छे ट्यूटोरियल बना सकूँ। बाय बाय।